हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज़ एल्कीन एंड इन एल्कीन दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सो स्टूडेंट्स, टू मेक एल्कीन फर्स्ट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इथीन। यू नो इन ईथ एंड ईन बाई ई टी एच वर्ड वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ कार्बन आर टू and by ene we can conclude that formula will be CnH2n. okay, so here the formula will be C2H4. why? because the formula of alkene is CnH2n. alkene में हम example लेते हैं जैसे ethene का। ethene में two word में हम इसको divide कर लेते हैं eth eth और ene en। ethene जो है eth word में number of carbon कितना होता है, two होता है, और ई एन ई है तो फॉर्मूला यूज़ होगा CnH2n। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने बना लिया C2H4। अब देखिए कार्बन टू है तो हम कार्बन के दो सिंबल लिखेंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि ई एन ई है, इसलिए हम यहाँ डबल बॉन्ड पुट करेंगे। अब इस कार्बन की देखिए यहाँ पे टू वैलेंसी कंप्लीट है इस बॉन्ड की वजह से, तो कितनी वैलेंसी और चाहिए, टू वैलेंसी और चाहिए, तो हमें दो बॉन्ड और लगाने हैं और उस पर हाइड्रोजन पुट कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला कार्बन, इसकी भी दो वैलेंसी दो बॉन्ड ने पूरी कर दी और बाकी की जो वैलेंसी है वो कितनी बची, अब चार माइनस दो, कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, तो फोर में से टू माइनस करेंगे तो यहाँ पर टू वैलेंसी और बचेंगी। इसके लिए हमने इसमें टू बॉन्ड अलग अलग करके हाइड्रोजन पुट कर दिया उस पर। ये तो इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है अपने को, जितने बॉन्ड हैं, जिधर बॉन्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डॉट शो कर देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन सामने, ऊपर की तरफ एक बॉन्ड है और एक साइड में एक बॉन्ड है। यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो कर देंगे, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस से शो कर देंगे। दूसरा कार्बन है, इसमें दो बॉन्ड पीछे की तरफ बने हुए हैं तो दो डॉट इलेक्ट्रॉन के शो कर दिए, और एक ऊपर है और एक साइड में है तो ऊपर और साइड में हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ये हाइड्रोजन हो गया, क्रॉस के साथ इसका इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से शेयर करेगा, यह हाइड्रोजन भी वन इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगा, सभी हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेंगे और अपने शेल में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेंगे, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इनको। अब इस कार्बन को अपने सर्कल में, अपने आउटरमोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो उसके लिए ये जिससे भी बॉन्ड बना रहा है उनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इससे डबल बॉन्ड बना रहा था तो इससे टू इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इधर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन। अब टोटल काउंट कीजिए, एट हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, सामने कार्बन से बना रहा है और आगे भी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके सर्कल में भी कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से अगर हमको बनाना हो जैसे प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो प्रोपीन का फॉर्मूला बनाएंगे, प्रॉप में थ्री कार्बन होते हैं और ई एन ई है तो इसका डबल हो जाएगा हाइड्रोजन C3H6। इसकी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो थ्री कार्बन लिखेंगे, थ्री है और ई एन ई है तो एक में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी में सिंगल बॉन्ड लगेंगे। अब देखिए बॉन्ड इसमें दो हो गए हैं तो कितने और बचे, इसमें दो और लगाने ताकि फोर बॉन्ड बन जाए। इस कार्बन में वन टू थ्री बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो कितना और लगेगा, एक बॉन्ड और लगेगा, और इस कार्बन में एक बॉन्ड है तो कितना और लगेगा, थ्री बॉन्ड और हमें यहाँ लगाने होंगे और सब पे हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। बहुत ही ईजी स्टूडेंट्स, अपने को चार बॉन्ड कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन के और जितने हैं उतने हम माइनस कर देंगे, बाकी बच गए उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, कार्बन में जिधर जो बॉन्ड बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम डॉट शो कर देंगे, इधर हाइड्रोजन है तो उसका क्रॉस, ऊपर हाइड्रोजन है इसका क्रॉस। अब इस कार्बन में आगे डबल बॉन्ड है तो इसके दो डॉट हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कार्बन है इसके पीछे दो, ये देखिए डबल बॉन्ड इस कार्बन के पीछे है तो पीछे दो इलेक्ट्रॉन, आगे की तरफ एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, तो आगे एक डॉट नीचे एक डॉट, नीचे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिया। नेक्स्ट थर्ड कार्बन पे पहुंचते हैं, थर्ड कार्बन में
चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, यानी चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम शो कर देंगे, और चारों तरफ में से तीन साइड इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और बाकी एक कार्बन के साथ था तो ये कार्बन का डॉट है ही। अब देखिए पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करवा देते हैं। हाइड्रोजन अपने सर्कल में एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेगा। ये देखिए हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर रहा है। ये सभी हाइड्रोजन इसी तरीके से अपनी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम कार्बन की भी कंप्लीट कर देते हैं। कार्बन की जो है वो जिस जिस से बॉन्ड बना रहा है उनसे ये उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरीके से 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। ये कार्बन भी क्या करेगा, पीछे वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन और आगे वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही ये वाला कार्बन ऊपर हाइड्रोजन से, पीछे की तरफ कार्बन से, नीचे की तरफ हाइड्रोजन से और आगे वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और टोटल इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके ऑक्टेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, ब्यूटीन का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन बनाया है, क्या प्रोपीन, हमने प्रोपीन का बनाया क्योंकि कार्बन इसमें कितने थे, 3 कार्बन थे। ओके, अब हम देखेंगे एल्काइन का। एल्काइन के लिए स्ट्रेंड्स क्या होता है, एल्काइन ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन है उससे हाइड्रोजन डबल करने हैं और डबल करने के बाद -2 भी करना है। एग्जांपल से समझिए, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमें बनाना हो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन बनाने के लिए देखिए इसमें इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स इसका ब्यूट है तो कार्बन नंबर यानी एन हो गया 4, वाई यानी है, इससे हमें पता चल गया कि फॉर्मूला हमें लगाना है CnH2n-2। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए फॉर्मूला CnH2n-2, कार्बन 4, हाइड्रोजन है वो डबल करना है पहले, तो 4 का डबल कितना हो गया 8, 8-2 तो ये हो जाएगा C4H6, इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी क्या बना लेते हैं, पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बॉन्ड के लिए 4 कार्बन हमें लेने होंगे इधर, 1, 2, 3, 4, और एक के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब वही अपने को याद रखनी है, वो चीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। कार्बन की चारों तरफ हमें 4 बॉन्ड करने हैं, 3 तो ऑलरेडी हैं, एक और बॉन्ड लगा देंगे इसमें। इस कार्बन को देखिए, इसमें 3 बॉन्ड हैं और एक ये, टोटल 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं, यानी कि 4 वैलेंस इसकी कंप्लीट है, हमें कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अगर लगा दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, आगे पीछे एक एक बॉन्ड है, टोटल 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने और लगेंगे इसमें, 2 बॉन्ड हमें और लगाने हैं और उस पर हाइड्रोजन लिखना है, इस बॉन्ड पर भी हाइड्रोजन लिख देंगे। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो और कितनी लगानी है अपने को, 3 वैलेंसी और कंप्लीट करानी है, वो हाइड्रोजन करा देगा, इजी है। अब इसी की हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जहाँ कार्बन है वहाँ कार्बन लिखिए, जितने बॉन्ड हैं उतने ही डॉट शो कर दीजिए। इस कार्बन के आगे 3 बॉन्ड है तो 3 डॉट, और पीछे 1 बॉन्ड है तो 1 डॉट, और हाइड्रोजन है तो उसका एक क्रॉस शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए कार्बन है ये वाला सेकंड नंबर का कार्बन, उसके पीछे 3 बॉन्ड है तो 3 डॉट शो कर देंगे, आगे 1 बॉन्ड है तो आगे 1 डॉट शो करेंगे। नेक्स्ट कार्बन है थर्ड नंबर का, इसमें चारों तरफ इसमें बॉन्ड हैं तो इस कार्बन के चारों तरफ हम इसका इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, और हाइड्रोजन है इसमें, ये मिक्स नहीं हो जाए तो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, नीचे की तरफ हाइड्रोजन उसका एक क्रॉस इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, फोर्थ कार्बन जो है वो 3 साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 साइड कार्बन से, तो 1 साइड कार्बन से और 3 साइड हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का भी हम क्रॉस शो कर देंगे। ये हो गए
इलेक्ट्रॉन इनके ऑक्टेट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करा देते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से शेयर करेगा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लेगा, ये इजी है तो इसको हम पहले कर लेते हैं। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद का है ही इसके पास और एक ये कार्बन से शेयर कर लेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब कार्बन की ओर करा देते हैं, कार्बन जिससे बॉन्ड बना रहा है वो इसके सर्कल में आ जाएगा। ये हो गया कार्बन, देखिए काउंट कर लीजिए, 8 होना चाहिए, 3, 3, 6, 7 and 8 हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी 3 पीछे, 3 खुद के, और आगे एक कार्बन से, तो इसके पास भी 3, 3, 6, 7, 8 हो गए। और यूं ही ये वाला कार्बन है ऊपर हाइड्रोजन से, कार्बन से वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, नीचे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सामने वाले कार्बन से, और इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी पीछे कार्बन से शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक नीचे वाले हाइड्रोजन से, एक साइड वाले हाइड्रोजन से और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से कार्बन के सर्कल में 8 हो गए और हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई, यानी कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये हमने बनाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। तो अगर नेम दे रखा है उसे हम स्ट्रक्चर बनानी है, तो पहले अगर हम उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और नेमिंग अपने को वही ध्यान रखनी है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, इसी तरीके से हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है।